नालीन ये जेंडर्स ने आउटडोर सेटअप किया हुआ है क्योंकि इंडोर जो है वो क्लोज है कोविड की वजह से। जनाब ये आ गया है जेंडर्स का मेन्यू और इसके अंदर जो है वो ब्रेकफास्ट में इनके पास बहुत अच्छी वैरायटी है डिफरेंट ऑमलेट्स और एग्स की। स्वीट्स भी आप ले सकते हैं जो ऑल डे अवेलेबल हैं। अच्छा रेस्ट ऑफ द मेन्यू जो है वो इनका नॉर्मल डे एंड लंच का है बट जो डेजर्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं और हॉट बेवरेजेस जो है उसमें इनके पास कॉफ़ी टी हॉट चॉकलेट फ्लेवर्स के साथ अवेलेबल हैं एंड एज यूजुअल कोल्ड बेवरेजेस कोल्ड कॉफी एंड शेक्स और फिर जूसेस एंड कॉकटेल्स और स्मूथीज। तो ये है जनाब इनका ब्रेकफास्ट का मेन्यू। क्लिफ्टन बुखारी और टीपू सुल्तान के मौजूद हैं। और जनाब ये आ गया है हमारा फ्रेश ऑरेंज जूस पेपर स्ट्रॉ तो ये फुली रिसाइकलेबल है और गारबेज जो है ये कम क्रिएट करता है प्लास्टिक गारबेज स्पेशली बट ये जो चीज़ है इनको इसको भी जो है वो प्लास्टिक के बजाय जो है वो रिसाइकलेबल मटेरियल मे बी वैसे ये वाला प्लास्टिक शायद रिसाइकलेबल हो आई एम नॉट श्योर लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि आप प्लास्टिक को जितना कम से कम यूज़ करें उतना बेहतर। और जनाब ये आ गया है हमारा क्लासिक एग बेनेडिक्ट विद टर्की बेकन और इसके अंदर जनाब नीचे जो है वो फ्रेंच ब्रेड है और उसके ऊपर जो है वो स्पिनच टर्की बेकन एंड देन एग बेनेडिक्ट और उसके ऊपर आई थिंक ये हॉलैंडेज सॉस टोमेटोज मशरूम्स और पोटैटो क्यूब्स क्यूब्स पे कुछ हर्ब्स भी हैं एंड देन आइसबर्ग लेटिस और कुछ वेजीज। और जनाब ये आ गया है फुल मोंटी इसके अंदर सनी साइड अप जो हैं वो फ्राइड एग्स हैं बीन्स विथ टोमेटो सॉस बेक बीन्स विथ टोमेटो सॉस वाइट टोस्ट और हैश ब्राउन्स बेकन मशरूम्स सॉसेज और पोस्ट टोमेटो। और जनाब ये आ गया है हॉट बेल्जियन चॉकलेट और इसके ऊपर फ्रॉथ भी है और क्रीम भी है। और जनाब ये आ गए है लाटे अच्छा जनाब ये हमने जो है सफाया कर दिया है और जो एग बेनेडिक्ट थे विद स्मोक टर्की और हॉलैंडेज सॉस बहुत ज़बरदस्त फ्रेश बेहतरीन बने हुए
हॉलिडेज सॉस मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बहुत अच्छा लगा इसके ऊपर और उसके साथ बहुत सही ब्लेंड किया। अच्छा, इसमें स्पिनिच की स्वीट एंड स्वीट तो नहीं लेकिन साउर क्रीम के साथ स्पिनिच भी मैश हुआ हुआ उसके ऊपर ग्लेज हुआ हुआ था, तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन लगा। वेजीज इनकी मुझे थोड़ी सी जो है वो यानी इनमें फ्रेशनेस थोड़ी सी कम लगी। ये मैंने इनको कहा है, बोला है इनको कि आप रिपोर्ट करें, कह रहे कि रोज़ाना सुबह डेली इनकी फ्रेश वेजीज आती हैं, थोड़ी सी मुझे फ्रेशनेस इनमें कम लग रही थी। और जनाब बाकी इसके साथ जो पोटैटोस थे वो बड़े अच्छे थे, उसके ऊपर हल्का सा पैन फ्राइड थे और उसका जो हर्ब्स थे वो साथ अच्छे लगे। सन ड्राइड टोमेटोज भी जो हैं वो बड़े अच्छे लगे। एक चीज़ मैं अभी डिकोड नहीं कर पाया कि जो सन ड्राइड टोमेटोज हैं इनके ऊपर जो है मैं आपको दिखाता हूँ एक लेयर होती है, ये लेयर जो है ये मैं नहीं डिकोड कर पाया कि भाई ये क्या चीज़ है। अब ये आते हैं तो मैं ज़रा इनके से पूछता हूँ सर्वर से कि भाई व्हाट्स दिस। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हॉट बेल्जियन चॉकलेट भी वाज वेरी गुड। और बाकी ये है कि मेरे जैसे बंदे के लिए ये जो सर्विंग थी एग बेनेडिक्ट की विद स्मोक टर्की स्पिनिच एंड जो उसके साइड्स हैं वो मुझे थोड़ी सी कम लगी। तो मेरे ख्याल में अगर इसी तरीके की एक प्लेटर मुझे और मिल जाए तो मैं बड़ी आसानी से जो है ना वो उस वक्त खा लूँगा। तो अगर आप अच्छा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेते हैं तो कंपैरिजन टू जो मोंटी है, मोंटी इज़ गुड इनफ, फुल मोंटी जो है उनका गुड इनफ फॉर वन ब्रेकफास्ट है, लेकिन बट दिस वन इज़ लाइटर वन। तो मेरे ख्याल में ये एक प्लेटर मुझे और मिलेगा तो देन मैं कहूँगा कि हाँ यार अब मैं फुली सेटिस्फाइड और कंटेंट हो गया। तो भूख थोड़ी सी अभी ब्रेकफास्ट की बाकी है। इस हॉट चॉकलेट बेल्जियन हॉट चॉकलेट और जूस को ढकोस लेने के बाद चेक करते हैं कि भाई क्या मामला रहता है।